गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार केसरी, आई एम हिंदी टीचर सो करोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, हम लोग ये पार्ट तीन पढ़ रहे थे, मीठी वाणी बोलिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, दरअसल वाणी तो सबको मिली हुई है, पर बोलना किसी किसी को आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे बोले, अब कब बोले, यह समझ हर एक के पास नहीं होती है। ठीक है, दरअसल वाणी तो सभी के पास होता है, सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, ठीक तरह से बोलना नहीं आता कि किनके सामने हम क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, है ना। देखिए, जब भी कोई अगर बोलता है तो क्या होता, पहले सुनना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, जो पहले बोलते हैं वो चुपचाप सुनते रहते हैं, सुनने के बाद वो समझते, उसके बाद ही वो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बोलना भी एक कला है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया, अथवा जो मैंने कहा वही सही है। बोलना भी क्या है, कला है, कि हमें किस तरह बोलना चाहिए। हम किसी से बोलते हैं तो क्या होते हैं, अच्छे तरह से किसी के सामने बोलना चाहिए। हम कहीं भी किसी से बात करते हैं तो अच्छी तरह से बात करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, वो बड़े हैं, वो आदरणीय हैं, उनको किस तरह से उनको मैंने उनके साथ मैंने व्यवहार करना चाहिए, ये सब का ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी कुछ बोले हम बड़े छोटे कल मैंने लिहाज नहीं करे, जो भी हुआ मन में आया वो बक दिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मूर्खता का निशान है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हाँ बोलना भी एक कला है ना, लोगों के बोलने से मन, हाँ अच्छा, लोगों को बोलने से पहले अपने मन में विचार लेना चाहिए कि उसकी बात कड़वी अशिष्ट या दूसरे के मन दुखाने वाले तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए, जैसे अशिष्ट पहले क्या हो जाएगा, इसका शब्दार्थ मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, शब्दार्थ पहले क्या हो जाएगा, अशिष्ट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अशिष्ट का हो जाएगा गंवार, है ना, अशिष्ट का गंवार। ठीक है, अशिष्ट का गंवार, शोजन, स्वजन मतलब परिवार के लोग, स्वजन मतलब परिवार के लोग, लोग ठीक है, स्वजन मतलब परिवार के लोग, है ना। अच्छा अब देखिए, ठीक है स्वजन, अच्छा तो इसमें क्या है, लोगों के बोलने के पहले, बोलने से पहले मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए, है ना, अशिष्ट या दूसरे के मन को दुखाने वाला नहीं हो। जो हम बात बोल रहे हैं वो क्या होता है, अशिष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से किसी के साथ बोलो तो ऐसा ऐसा वाणी बोलिए कि दूसरों को भी सुनकर क्या लगे, उसे अच्छा लगे, माने बोलने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है, दुखाने वाले नहीं। जो लोग बिना सोचे बिचारे बोलते हैं उनके लिए सौजन भी प्राय हो जाते हैं। अगर जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है, सौजन का परिवार के लोग जो अपने मित्र होते हैं, जो सखे होते हैं, सखा होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमसे प्राय हो जाते हैं, हमारे दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कहते हैं जो मुँह है, ये मुँह क्या होता है, ये मुँह आपको क्या मिठाई भी खिलाता है और थप्पड़ भी खिलाता है, है ना। क्योंकि आप अच्छे से किसी से अगर कोई सामने वाले व्यक्ति से अगर अच्छे से उसे भी है मधुर वाणी में उससे अगर अच्छे से बर्ताव करोगे तो क्या रहेगा, सामने वाला आपको प्रतिष्ठा और सम्मान देगा। ठीक है, अच्छा इसलिए अपनी बात अच्छी तरह तौलिए फिर बोलिए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकला हुआ वचन, है ना, निकला हुआ वचन लौट कर नहीं आता। देखिए सबसे पहले हमको बोलने से पहले अपने हृदय, दिल के हृदय रूपी तराजू में तौल कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए शब्दों के कोई दांत नहीं होते, शब्दों के कोई दांत नहीं होते, लेकिन काटने से भी क्या होता है, लेकिन दर्द क्या होता है, काटने से भी अधिक होता है, समझे कि नहीं। जो वाणी का जो तीर होता है, व्यक्ति को तोल मोल कर बोलना चाहिए, और जो व्यक्ति अगर तोल मोल कर बोलते हैं उसे बात में क्या होता है, पछतावा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर, कमान मतलब हो गया धनुष, कमान मतलब धनुष, है ना, धनुष कमान,
देखिए जो अगर तीर जिस जो जो तीर होता है वो धनुष से क्या होता है निकल जाता है फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आता है, उसी तरह जो हमारे जो मुंह से जो निकली हुई जो वाणी होता है वो अगर एक बार अगर बोल देते हैं तो फिर दोबारा क्या होता है वो लौट कर नहीं, मतलब उससे हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो दूसरे को अगर आप अच्छे व्यवहार करेंगे तो उसके लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक वो आपको क्या हो जाएगा सम्मान देगा, अगर आप अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा उसके दिल में क्या होता है सुई की तरह चुभता है। यस।